हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूँ अपनी मैथ्री क्लास में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं HCF LCM, यानी अपना मैथ पढ़ रहे हैं बेस से और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए, और वो भी कुछ ट्रिक के साथ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, अच्छे अच्छे जिससे कि आपको भी चीज़ों को करने में मज़ा आए और आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, आपको भी लगे हाँ कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है। तो हम अपने क्वेश्चन करेंगे, HCF LCM के क्वेश्चन करेंगे। आप ऐसे ही क्वेश्चनों को मत देखिए, सिर्फ हमेशा कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, जिससे कि आप भी उनको सॉल्व करते रहें और आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप दबा के मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो लाइक और शेयर कर रहे नहीं, करते ही चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, फटाफट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ, HCF याद करना है और हमें कैसे दिया है, गुणा में दिए हैं कुछ चीज़ें। देख लेते हैं कैसे कैसे दिए हैं हमको गुणा में सभी। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन, क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस सभी में हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन अब देखते हैं। यहां पर लिखा है 23, 23 कहीं और है? नहीं है, 32। तो अभी 32 भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 32 में 2 होता है ना, तो 2 हम ढूंढ लेंगे, 2 कहां पर है, कितने 2 हैं। तो यहां 32 को देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और इस 74 को क्या लिख सकते हैं, देखो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। 74 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 37, यही लिख सकते हैं। बाकी यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 11, और इसे लिख सकते हैं 7 गुणा 5। इस 52 को भी लिख सकते हैं आप 2 गुणा 2 गुणा 13, और 73 तो 73 है ही। यहाँ पर क्या है, 23 23 53 53, ये तो अभाज्य संख्या है। 72 को देख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इतना हम 72 को लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें हैं तो क्या अधिकतम कॉमन है, यहाँ पर देखिए 3, ये 3 है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, 13 है ये, है ना। तो 3 यहाँ नहीं है, 13 भी इधर नहीं है, तीनों में नहीं है। तीनों में क्या है, केवल 2, 2 ही ऐसा है जो तीनों में है। तो कितने 2 हैं, 5 2 तो यहाँ है, और 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 यहाँ है। तो 3 है कॉमन, 3 ये रहे, 2 और 1 3 ये रहे, और 3 यहाँ से ले लेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 इतना ही कॉमन है तीनों में। तो 8 ही क्या हो गया हमारा, HCF हो गया। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था। आपको देखना है अधिकतम कॉमन क्या है, अधिकतम वो चीज़ जो तीनों में है वो ही HCF है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, ऐसे नहीं कि आप गुणा करने लग जाओ और इधर उधर फंस जाओ, इस तरह से ही करनी है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 108, 288 और 366, है ना, इनका HCF ज्ञात करना है। जब भी 2 से अधिक HCF होते हैं तो हम भाग विधि से कर लेते हैं, पहले इन 2 का HCF निकालेंगे, जो भी इनका HCF आएगा उसका इसके साथ तीसरे के साथ HCF निकाल देंगे। तो पहले इन 2 का निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। जैसे ये 108 है और 288 से निकालना है, तो पहले कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, कितना हो गया, 216, बचे कितने, ये 2, ये 7 72। अब ये 108 फिर 1 बार जाएगा, 72, अब कितने बचे, 36, अब ये 72 यहाँ उतर के आ जाएगा, और ये 2 बार गया, ये 72 पूरा कट गया, तो ये 36 क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, इन दोनों का क्या हो गया जी, इन दोनों का HCF 36। ठीक है, आपको इस तरह से ही भाग करनी है, जो भी शेष बचे ये संख्या फिर से उतार के यहाँ रख देनी है, ये संख्या उतार के यहाँ रख देनी है, इस तरह से करनी है। अब ये 36 का और इस इन दोनों का लेंगे, 36 और 360 का, अब इन दोनों का HCF लेना है। इन दोनों का HCF क्या होगा, क्या है अधिकतम कॉमन, भाई 36 ही अधिकतम कॉमन, ये तो साफ ही दिख रहा है, 36 एकम 36, 36 धाम 360, तो 36 ही क्या हो गया हमारा आंसर, 36 हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज़ क्लियर है, अगर ये भाग नहीं हो रहा होता, डायरेक्ट नहीं हो रहा होता, तो हम फिर से भाग लगा के देखते। ठीक है,
अगर ये पूरा पूरा हमें नहीं दिख रहा होता कि ये पूरा कट रहा है, तो हम 36 से 360 में ऐसे भाग लगाते और फिर करते, जिससे कटता वही अच्छी अप होता। फिलहाल ये 36 अच्छी अप आ गए, आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। आप सभी ने भी कर लिया होगा एचसीएफ ऑफ 513, 1134, 1215। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा पहले इन दो का एचसीएफ निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका एचसीएफ इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो बिना देर किए हुए करते हैं। हमने निकाला 513 और 1134। इसमें पहले कितनी बार जाएगा, दो बार, तो 13 दूनी 26, 1026 हो गए। बचे कितने, यहाँ से बचा हमारा 8, यहाँ से 01, 108 बचा। अब इस 513 को यहाँ रख लेंगे, 513 ये उठा के यहाँ रख लिया, कितनी बार जाएगा, चार बार, तो 48 और 4 ये हो गया। अब ये कितना बच रहा है, इसे भाग देंगे, ये यहाँ पे हो गया 32। अरे क्या कर दिया, 32 करना है, 8 चौक 32, ठीक है, 432 आएगा ये बच्चों। तो ये लिख लिया हमने, 3 से 2 गए तो 1, और ये 11 से 8 81। अब इसको यहाँ रख लेंगे हम 108। अब कितनी बार जा रहा है, एक बार ही जाएगा, 81 बचा, कितना 27 बचा। अब इस 81 में भाग देंगे, तो 81 में कितनी बार गया, 3 बार, 81 पूरा कट गया। तो सबसे लास्ट में किससे कटा, 27 से। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ हो गया 27, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया, इन दो का एचसीएफ 27 हुआ। अब 27 का और किसका निकालेंगे, 1215 का। अब इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का, तो इन दोनों का भी आप ऐसे ही निकाल लोगे, यहाँ पे 27 और इसमें भाग दे दोगे 1215 में। ऑप्शन होंगे तो आप ऑप्शंस की मदद से भी कर सकते हैं, बाकी इस तरह से। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 4 बार वैल्यू जाएगी, तो 7 चौक 28 और 8 और 2 10, 108 बचा कितना। अब इसको भाग माइनस कर लेंगे, ये बचा हमारा 3 और ये बचा 1, उतार लिया 5। अब कितनी बार जाएगा, 7 पन्ना 35 है ना, और 5 दूनी 10 और 3 13 कट गया। तो किससे कट गई, 27 से ही कट गई। देखो इस बार दिखा नहीं था डायरेक्ट, तो हमने भाग दे लिया, तो 27 से ही कट गए। तो इन दोनों का एचसीएफ भी क्या आ गया, 27, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया एचसीएफ। तो ये चीज़ क्लियर है, पहले दो का एचसीएफ निकाल लेंगे, जो भी एचसीएफ आएगा उसको हम अगले से कंपेरिजन कर लेंगे कि उसका भी एचसीएफ है या नहीं, या फिर आगे और है। तो इस तरह से बड़े आसानी से हो जाएंगे। आगे देखते हैं कुछ और, रिड्यूस 391 अपॉन 667, ये बटे लगा हुआ है, हाँ जी बच्चों ये बटे लगा हुआ है, इसको काटना है। अब काटते कैसे हैं, जिससे इसको काटते हैं उसी को इससे काटते हैं। अब ये कट किससे रहे हैं, अगर हमको आसानी से नहीं दिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ फैक्टर है, यानी एचसीएफ इसका भी फैक्टर है और एचसीएफ इसका भी फैक्टर है। तो जब भी वो रिड्यूस करने के लिए कहे, अगर रिड्यूस करने का मतलब होता है सिंपल करना, काट देना, जिससे भी संख्याएँ कट रही हैं, अगर हमें पता है किससे कट रही है तो ठीक, नहीं पता तो एचसीएफ लगा निकाल लेते हैं 391, और बड़ी संख्या क्या है 667, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाने वाला है भाग, तो ठीक है 391 ये आ गया, ये बचा 6 और ये बचा 7 और ये 276, यही बचे। अब 276, अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये संख्या यहाँ पर उतार के रख ली हमने 391, फिर से एक बार ही जाएगा 276, ये कितना बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा 1, 115। अब इसमें भाग कर देंगे 276, अब दो बार भाग चला जाएगा, 115 दूनी 230, बचा कितना जी 46। अब 46 में 115 से करेंगे, 115 दो बार फिर से जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 8 और 1 9, बचे कितने 23। अब 46 से भाग कर देंगे,
छियालीस में भाग कर देंगे, 23 दूनी 46 कट गए थे। अब यहाँ पे लास्ट में हमारी वैल्यू आके कट गई है, तो लास्ट में किससे कटी वैल्यू, लास्ट में वैल्यू कटी 23 से, तो यही क्या हो गया, एच सी एफ हो गया, सॉरी एच सी एफ हुआ है। इन दोनों का एच सी एफ क्या हो गया, 23, यानी 23 है तो इसको भी काटेगी और इसको भी। तो मैंने लिखा 391 और 667। अब एच सी एफ है तो काटेगी तो सही इस संख्या को और इस संख्या को 23, तो 23 से काट देते हैं इसको। अब 23 से कितनी बार कटेगा, देखो कैसे काटते हैं, 23 से एक बार तो जाएगा ही भाग, है ना, और फिर लास्ट में क्या लिखा है, एक, तो तीन के पहाड़े में एक कहाँ आता है, 23 से काट रहे हैं हम इनको, है ना, 23 से, तो तीन के पहाड़े में एक कहाँ आता है, 3 7 21 17 पर, ठीक है। अगली बार देखते हैं, इसको देखते हैं, 23 दूनी 46 और लास्ट में तीन के पहाड़े में 7 कहाँ आता है, 9 में, तो 29, और यही हो गया आंसर। आप इसको 23 से काटेंगे तो यही आंसर आने वाला है। जब हमको पता है कि एच सी एफ मेरा ये है, यानी एच सी एफ 23 इनको काटेगा ही काटेगा, तो लास्ट के अंक को हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं लास्ट के अंक से, कि तीन के पहाड़े में एक कहाँ आता है या तीन के पहाड़े में 7 कहाँ आता है, उसको हम लास्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको भी सीखनी है कि कैसे इनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, किस तरह से काटा, एच सी एफ हमेशा संख्या को पूरा काटता है, तो हम डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार भाग चला गया 23 एकम 23, फिर कुछ भी बचा हो, फिर कितना बच रहा है, एक, तो तीन के पहाड़े में एक आता है 7 पर, 3 7 21, तो ये 7 बार ही जाएगा। इसी तरह हमने दूसरा भी किया। तो ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही हैं, आप इनको नोट करते चलिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, फटाफट करिए, कोशिश करिए सर मुझसे पहले करने की, इससे आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। अगला करते हैं एलसीएम ऑफ, अब देखो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, इस बार उसका एलसीएम दे दिया है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम अधिकतम संख्या ले लेते हैं, संख्याएं अधिकतम ले लेते हैं और गुणा के रूप में ही दिखाना है, गुणा नहीं करनी है। अब यहाँ देखते हैं इनको क्या करें, हम छोटे टुकड़ों में लिख लें, कैसे, प्राइम नंबर वाले टुकड़ों में, प्राइम नंबर वाले टुकड़ों में लिख लेंगे। तो ये जो सबसे पहली संख्या है ये, इसको यहाँ लिखते हैं हम, क्या आएगा हमारा, 2 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 5 और गुणा, ये हमने पहली नंबर लिख लिया है ना, 72 को लिखते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यही आ गया, ठीक है, ये पहला वाला नंबर है। तो इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो देखो 2 की पावर कितनी बन गई, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 11, 3 की पावर कितनी बन रही है, 3, 3 की पावर 3, 5 तो एक बार ही है, इंटू 5 और इंटू 11 की पावर 2, ये बना पहली संख्या में। अब इस दूसरी संख्या को देखते हैं, है ना, दूसरी संख्या से क्या बन रहा है, सॉरी दूसरे नंबर से क्या बन रहा है, तो दूसरे नंबर में 23 तो कटेगा नहीं, 23, 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, 52 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 13 और 74 को लिख सकते हैं 2 गुणा 37, ठीक है जी। अब ये देखते हैं इसमें कितना पावर आ रही है, तो कितने लिखी हमने, 2 की घात 5 6 और 1 7 और 1 8, तो 2 की घात 8 गुणा 13 गुणा 23 और गुणा 37, ये आ गया। हमारा जो तीसरा नंबर है वो क्या है भाई, 2 गुणा 3 है, अब 53 तो 53 ही रहेगा, ये तो नहीं कटेगा, और 7 और 11 भी नहीं कटेगा, अच्छा ये तो ऐसे ही रहने वाला है, तो 2 गुणा 3 गुणा 53 गुणा 7 गुणा 11। अब इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, एलसीएम, तो बच्चों एलसीएम निकाल रहे हैं हम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मल्टीपल वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिससे सभी, जिसको ये सभी काटें। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम बड़ी घात लिखते हैं, देखो 2 की बड़ी घात क्या है 8, तो क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 8 इंटू, इसके बाद 3, 3 की अधिकतम घात क्या है 3, 3 की अधिकतम घात 3 है, तो 3 की घात 3 इंटू, 5 की घात क्या है
कुछ नहीं है इसमें, पाँच इसमें है ही नहीं, तो पाँच की घात एक ही लिखेंगे इंटू सात भी सात ही लिखेंगे, और तेरह एक बार है तो यहाँ पे अब तेरह लिखेंगे, फिर तेईस लिखेंगे और फिर तिरपन लिखेंगे, फिर ग्यारह रह गए है ना तिरपन, और जो ग्यारह रह गए उसको भी लिखेंगे। ग्यारह की अधिकतम घात कितनी है दो, ये आ गया इसका एलसीएम। एक बड़ी सी संख्या एलसीएम आई है, यानी कोई भी चीज़ छूटे ना, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, लेकिन बड़ी बड़ी वैल्यू हमको यहाँ पर लिखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसकी गुणा करने के लिए नहीं कहेगा, ऑप्शन भी आपके इसी तरह से आएंगे जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये आपको क्लियर है किस तरह से इसके एलसीएम निकालने। हमारी तीन संख्याएं थी, पहली दूसरी और तीसरी, तीनों का एलसीएम निकालना था, घातों में लिख लें और बड़ी बड़ी घात इनकी लिख दें। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एलसीएम ऑफ 72, 108, 2100 है ना, इन सभी का एलसीएम निकालना है। अच्छा कैसे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के भी बहुत तरीके हैं है ना, जो हमने पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और कैसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखो जहाँ तक चीज़ें कट रही हैं काटें, फिर बाद में एक बार गुणा कर दें। देखो एक तो सिंपल मेथड है हमारा कैसे, कुछ इस तरह से जो आप करते आए हैं, 72, 108 और 2100। सबसे पहले दो से कट रहा है तो दो से काट लें, दो से कितनी बार कटा, 36, 54 और ये 2 × 2, 50 है ना, फिर दो से कटेगा तो कितना हो गया, 18, 27 और ये 5 × 2, 5 है ना। अब फिर दो से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9, 27 और 5 × 5 ठीक है। अब और किससे काटेंगे हम, अब तीन से काटेंगे तो तीन से कटेगा कितनी बार, 3 बार, 9 बार और ये नहीं कटेगा, 5, 2, 5। अब तीन से फिर काटेंगे, तीन से एक बार, ये 3 बार, ये 5, 2, 5 लिखा रहेगा। अब फिर तीन से काटेंगे, 1, 1 और 5, 2, 5। अब ये एक ही संख्या बच गई, तो ये तो 5, 2, 5 से ही कटनी है, यानी 525 से ही कट जाएगी पूरा, क्योंकि एक ही संख्या रह गई ना, 1, 1, 1। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, इन सब की गुणा होगी, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और ये ठीक है, इस सब के आप गुणा करोगे हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। लेकिन हम और क्या मेथड अपना सकते हैं, तो बच्चों समझते हैं और क्या मेथड अपना सकते हैं, है ना। यदि हम और मेथड की बात करें तो ये 72 देखिए, ये किसका मल्टीपल है, ये है हमारा 9 × 8, 9 × 72 ये 108 क्या है, 9 × 12 = 108 और ये तो 2100 है ही, तो 2100 को हम लिख सकते हैं 21 × 100 ठीक है। अब इसमें अधिकतम देख लेते हैं, तो देखो 9 है, एक तो 9 अधिकतम है ना, तो 9 ये 3 तो आ ही जाएगा, जो यहाँ पर 3 है वो इसमें आ जाएगा। अच्छा इसमें भी तो है, इसमें भी 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3 × 4। तो पहले 2 देख लेते हैं, 2 अधिकतम कहाँ है, 2 ये रहे तो 8, 3 अधिकतम ये रहे 3, और बाकी यहाँ से क्या क्या रह गया हमारा, 7 रह गया एक तो, है ना, क्योंकि 7 × 21 तो 3 तो आ गया, और 100 तो पूरा का पूरा ही रह गया इंटू 100 ठीक है बच्चों। और ये 27 आएगा, 9 × 3 = 27, 8 तो यहाँ से आ गया और 9 × 3 = 27 यहाँ से आ गया, और गुणा 7 और ये 700 100। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये कितना आएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका फटाफट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कितना आता है, वैसे तो ये गुणा में ही आती है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं
और ये 100 भी नहीं आएगा, दो तो निकल गया ना इससे, ये केवल 25 आएगा। यानी बच्चों फिर से समझते हैं, हम इसको फैक्टर मेथड से किस तरह से कर सकते हैं, जो 72 है उसको हम अधिकतम घात में लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ये तो हुआ है 72 का। 108 का, 108 को देखो आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3 गुणा 4, 27 गुणा 4 होता है। और 2100 को क्या लिख सकते हैं, तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 21 आपने फैक्टर बनाया। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 25, यही लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, अधिकतम 2 की घात 3 अधिकतम ये हो गई, और 3 की घात क्या हो गई, ये हो गई। तो 3 की घात हो गई, 5 रह गए थे, 3 की घात हो गई हमारी 3 इंटू, और क्या रह गया हमारा, ये 3 से कट रहा था, हमने काटा नहीं था, तो 5 की घात 2 और गुणा 7, ये आएगा इसके आंसर। इस तरह से ये ऑप्शन में लिखे हुए होते हैं, इस तरह से आप इनको कर सकते हो। तो अब आगे देखते हैं, आप इसको कर लेंगे, जब इसको पूरा सॉल्व करना होगा तो पूरा सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। किस तरह से होगा, आप अपने जो आप करना चाहते हैं वो पहले करें, जैसे 25 8 200 पहले कर लें, फिर उसमें 27 की गुणा कर लें, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 8 गुणा 27 गुणा 25 गुणा 7, तो 25 8 200, 200 गुणा 27, 27 2 54 5400 हो गया, गुणा 7 हो गया, 7 4 28, 7 5 35 और 1 7, ये आ गया। तो ये चीज क्लियर है, ये आप कर लोगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 24 36 54, 16 24 36 और 54 का एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, जब संख्याएं 3 4 अधिक हों तो आप ऐसे ही कर दोगे, 16 24 36 और 54। तो सबसे पहले 2 से काट लेंगे, कितनी बार कट गया, 8 बार 12 बार 18 बार 27 बार, फिर 2 से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार और 6 बार 9 बार, ये 27 ही लिखा रहेगा। फिर 2 से काट लेंगे, 2 3 9 27, फिर 2 से काटेंगे, अब कितना हो गया, 1 3 9 27, अब 3 से काटेंगे, अब देखो 27 जब कटेगा 3 बार तो ये सभी कट जाएंगे, 1 1 3 9, फिर 3 से 1 1 1 3, और फिर 3 से 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 2 2 4 2 8 2 16, 16 3 48 48 गुणा 3 गुणा 3, तो 48 गुणा 9, है ना, 9 8 72 और 9 4 36 और 7 43, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी किस तरह से करते हैं और इनको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। और भी देखो, मैं फिर से आपको एक बार समझा सकता हूँ कि यहाँ हम क्या क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 4, 24 को लिख सकते हैं, 8 3 24, है ना, और इसको लिख सकते हैं 9 4 36, और 54 को लिख सकते हैं 9 गुणा 6 9 6 54। तो देखो 2 की घात 16 जब हम ले लेंगे, ये हमने 16 ले लिया, तो 8 इसके अंदर आ गया, 4 इसके अंदर आ गया, इस 6 का 2 इसके अंदर आ गया, अब बचा क्या, हाँ ये 27, 27 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको। तो अगला हमने ले लिया 27 बस, और इन दोनों की गुणा हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 432।
यही आंसर होगा। एक ये तरीका भी है, आप सवाल करते जाओगे ये चीज़ें आप में डेवलप होती चली जाएंगी। आगे आते हैं, फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 2/3, 8/9, 16/21, 81 और 10/27। तो जब हम इसका एच सी एफ निकालेंगे तो एच सी एफ कैसे निकालेंगे, ऊपर वालों का एच सी एफ यानी किसका, 2, 8, 16 और 10 का एच सी एफ बटे 3, 9, 81 और 27 का एल सी एम, है ना। तो ये एल सी एम निकालेंगे तो इनका एच सी एफ क्या आएगा, 2, 16, 8 और इन सभी, कौन सी संख्या जो इन सभी को काटेगी, तो 2 ही है जी, है ना, 2 ही काटेगी इन सबको। और इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, इन सभी का एलसीएम 81 आएगा। तो यही हो गया आंसर, अलग अलग करना है। जब हम एलसीएम निकालेंगे किसका, इन्हीं का एलसीएम, तो क्या करेंगे, 2, 8, 16, 10 का एलसीएम बटे 3, 9, 81, 27 का क्या करेंगे, एच सी एम, ठीक है। जब एच सी एफ निकालते हैं तो ऊपर एच सी एफ नीचे एल सी एम, जब एल सी एम निकालते हैं तो ऊपर एल सी एम नीचे एच सी एफ, यानी जो निकालते हैं वो ऊपर दूसरा नीचे। तो इन सभी का एल सी एम क्या आएगा, तो इन सभी का एल सी एम आएगा हमारा 16×5=80 आ जाएगा, 80 से सभी कटेंगे। और बटे में एच सी एफ क्या आएगा, तो सभी को काटे तो 3 आ गए एच सी एफ, यही हो गया हमारा एल सी एम आंसर। और ये क्या था हमारा एच सी एफ। तो ये चीज़ें आसान है, आप इनको प्रैक्टिस करोगे इसी तरह ही फटाफट हो जाएंगे। आगे आते हैं, फाइंड द एच सी एफ और एल सी एम ऑफ 0.63, 1.05, 2.1। जब भिन्न हो फ्रैक्शन होते हैं तो उनको क्या कर लेते हैं, भिन्न बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं समझ लेते हैं। जैसे ये 63 लिखा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 पर लगाएंगे और 2 जीरो कर देंगे, पॉइंट कट जाएगा। तो 63/100 ऐसे इसको करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और बाकी 2 जीरो, पॉइंट कट गए। अब ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे, है ना, किससे कट रहा है, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार। तो ये वाला दूसरा वाला हो गया हमारा 21/20। ऐसे ही इसको भी क्या करेंगे हम, पॉइंट के नीचे 1 और जितने अंक उतने जीरो, पॉइंट हट गया। तो ये हो गया 21/20, ये 21/10 और ये 63/100, ये 3 संख्याएं हो गई। अब जब हमें एच सी एफ निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एच सी एफ, तो क्या करेंगे, जो निकालना है वो अंशों का 63, 21 और 21, इनका क्या एच सी एफ, और 100, 20 और 10 इन सभी का क्या एल सी एम। तो निकालें, ऊपर का एच सी एफ 21 ही आने वाला है और नीचे का एल सी एम कितने आने वाला है, 100, ये एल सी एम आ जाएगा। जब ये एल सी एम आ जाएगा तो हम इसे करेंगे सॉल्व, 100 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.21, ठीक है, 0.21, यही हो गया आंसर। अगला, एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम ध्यान से समझेंगे। तो ऊपर वालों का एलसीएम यानी 63, 21 और 21, इसका क्या एलसीएम, और बटे क्या है 100, 20 और 10, इसका क्या एचसीएम, एचसीएफ, हाँ जी। तो ऊपर का एलसीएम क्या आएगा 63 और नीचे का एचसीएफ क्या आएगा 10, तो अब इसकी भाग होगी तो 6.3, यही होगा इसका आंसर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, भिन्नों के एचसीएफ एलसीएम या दशमलव के एचसीएफ एलसीएम हम किस तरह निकालेंगे, उनको भिन्न बनाकर तब करने हैं ये क्वेश्चन। तो पहले उसको हमने भिन्न बना लिया और यदि वो कटती हैं तो उनको हम काट लेते हैं, फिर आगे उस क्वेश्चन को करते हैं। जो चीज़ें ना समझ में आ रही हैं उनको दोबारा से देखिए, फिर से समझिए और अच्छे से कीजिए। फिर भी चीज़ें ना आए तो आप कमेंट्स में लिख के भेजिए, हम सभी के आंसर करेंगे और
हम लाइव क्लास भी लाएंगे, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15 एंड 11, इफ देयर एचसीएफ इज 13, फाइंड द नंबर। दो संख्या है वो किस अनुपात में है, 15 और 11 के अनुपात में, 13 उनका एचसीएफ है। 13 क्या है, हाईएस्ट कॉमन, यानी कॉमन लिया गया है 13 बाहर, अधिकतम, अधिकतम कॉमन लिया है तो वापस गुणा कर दें, तो 13 की वापस गुणा कर देंगे तो 13 गुणा 5, 13 पंजे 65, 13 कम 13 और सॉरी 13 पंजे 65 और 13 कम 13 और 6, एक संख्या ये हो गई। दूसरी में गुणा करेंगे तो 13 कम 13 और 13 कम 13 और 1 14, 143, ये दो संख्याएं हो गई है ना। तो आपको याद रखना है HCF इंटू जो भी हम अनुपात, अनुपात में जब हम HCF की गुणा करते हैं, ठीक है, अनुपात यानी रेशियो, रेशियो में जब हम गुणा करते हैं HCF से तो हमें क्या मिल जाती है, संख्याएं मिल जाती हैं। ये याद रखना है, अनुपात में रेशियो से गुणा करते हैं अलग अलग तो क्या मिल जाती हैं, संख्याएं मिल जाती हैं। तो ये चीज़ क्लियर है, ये फॉर्मूला भी लिख लेना है, काम आएगा हमारे और भी क्वेश्चनों में। अगला, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 693, इफ वन नंबर इज 77 तो अदर, दूसरा ज्ञात करना है। तो हमने जो फॉर्मूले बताए थे पिछली क्लास में, वहाँ बताया था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, यही बताया था, बस इसी में रखना है। पहला नंबर आपको 77 दिया है, दूसरा नंबर हमको ज्ञात करना है, एच सी एफ कितना दिया है 11 और एल सी एम दिया है 693, ठीक है। तो हमारा सेकेंड नंबर जो है वो क्या हो गया, सेकेंड नंबर क्या हो गया, अच्छा ये 11 से इसमें भाग कर देंगे, 11 गुणा 693 बटे 77, तो 11 से कितनी बार कट गया, 7 बार, 7 से कट गया, 7 मिनट 68 है ना, और फिर बचे 6, 7 मिनट 68 99, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 99, यही आंसर हो गया। तो वैसे फॉर्मूला याद करना था, चीज़ें फटाफट हो जाती हैं, आप कर लोगे ऐसे सभी क्वेश्चनों को। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, अभी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन के साथ एच सी एफ एल सी एम के, और अच्छे अंदाज में। तब तक आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।